नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नबार्ड में जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ पर लिखा हुआ, और इस पोस्ट के जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 मई से 26 मई के बीच में आपको अप्लाई करना है, मतलब आज से लेकर के अगले 16 दिन तक यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 10th of May टू 26th of May, 10 से 26 मई के बीच में। जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो 15-16 जून को रखा गया है, और मेंस एग्ज़ाम इसके बाद होगा। तो अभी जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब आपको बताएंगे। अभी देखिए, इसमें कई सारे पोस्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का है, एनवायरमेंट का है, फूड प्रोसेसिंग का है, फिनांस का है, लैंड डेवलपमेंट का है। ये अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि फिनांस के अंदर फिनांस का कोर्स का चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो ग्रेजुएशन एनिमल हस्बेंड्री चाहिए, एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट जो उसमें ग्रेजुएशन कर रखा है, फूड प्रोसेसिंग वाले में उसका ग्रेजुएट चाहिए। तो इस तरह से सब में स्पेसिफिक कोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है। पर जो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब नीचे चलते हैं, कुछ और डिटेल्स आपको इसका दिखाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये सारी असिस्टेंट मैनेजर की जो डिटेल है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी जो अलग अलग पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और ये है असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए। एनिमल हस्बेंड्री का आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं मैनेजर वाले पोस्ट के लिए कि वहाँ पर लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ एज क्राइटेरिया जो है वो 20 से 30 है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये आ गया मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो मैनेजर की जो पोस्ट है, ग्रेड बी पोस्ट है, इसके लिए भी 10 से 26 मई के बीच एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और बाकी डिटेल आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, 10 से 26 मई, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वही रहेगा, 16 जून ही रहेगा। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो रिलैक्स्ड है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो वहाँ जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट थी, उसमें कोर्स जो था, कुछ ख़ास कोर्स था जो कि आपको किया होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जो मैनेजर वाली पोस्ट है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। एज लिमिट इसकी 20 से 35 है, लास्ट डेट 26 मई है, 16 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। जो लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बाकी सरकारी नौकरियों की डिटेल्स चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाकी तमाम सरकारी नौकरी की डिटेल हम इसी तरह से नोटिफिकेशन बताते रहेंगे, और इवन प्राइवेट जॉब्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंफोसिस, विप्रो में जो आती है, वॉकिंस वगैरह आते हैं, उनके डिटेल हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।